जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिराज शाब्दी एंड टीम ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्वे कर यहां के हालात बताते हुए एमपी उमेश यादव पर नाराजगी जाहिर की है। सिराज शाब्दी ने कहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर पेशेंट्स के लिए ब्लड अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइम पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते और यहाँ हर रोज नेग्लिजेंसी चल रही है और 5 साल में उमेश यादव ने अब तक एक बार भी यहाँ विजिट नहीं किया है। ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्डिंग में सिर्फ एक ओपीडी सेंटर मौजूद है और पेशेंट को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है और लिफ्ट की हालत इतनी खराब है कि पेशेंट आधे आधे घंटे तक लिफ्ट में बंद हो रहे हैं। इन तमाम इश्यूज पर बात कर सिराज शाब्दी ने एमपी उमेश यादव से डिबेट करने का चैलेंज किया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट्स की नाराजगी और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से सिराज शाब्दी एंड टीम ने मजीद क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk Gulbarga, second branch at Supermarket Gulbarga. लाइट चले गई, लिफ्ट बंद हो गया, यहाँ पे कोई इंचार्ज नहीं है और पेशेंट अंदर फंसे हुआ है। तो पेशेंट के अटेंडर खुलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, लाइट अटेंडर नहीं है जो लिफ्ट ऑन कर कर बाहर निकाले। जैसा आधे घंटे से ये लोग अटके हुए अंदर। 10 बजे से आया हूँ, ओपीडी कार्ड काढ़ा हूँ, 11 बजे से लाइन लगाए हूँ यहाँ पे। मेरा नंबर नहीं आया, बच्चे का खून चढ़ाना है मेरे को, तिलिस्मा पेशेंट है, ये खून है। हर महीना आता हूँ मैं, 20 दिन में 25 दिन में आता हूँ, ना मेरे को गोली मिलती है, ना कुछ मिलती है, ना सहूलत देते हैं, ना दाखने में क्या भी सहूलत नहीं है। उमेश यादव को ये मेरा जानदे मैसेज, हमारे को पूरे तिलिस्मा पेशेंट को ना एक गोली नहीं मिलती, ना खून मिलता। कभी कभी हम सारा दिन परेशान होते हैं, खून भी नहीं मिलता। जैसे बहुत पेशेंट है ऐसे सब जने को, उमेश यादव क्या भी सहूलत करे नहीं। उमेश यादव रहते कौन भी रहते, वो कोसा भी लीडर रहते, हम क्या भी सहूलत ही नहीं करे। आसो यहाँ सवेरे से खड़ा है, इधर एक ही काउंटर चालू है, इधर लाइन लगा के बैठा है, वो लोग खाना खा के जाके आना कब, वो लोग देना कब हम लोग को। हम इधर बहुत देर से 2-3 घंटे से बैठा, एक ही काउंटर चालू है, लेडीज़ का और जेंट्स का उसी में है। सुबह 10 बजे से ठहरा हूँ, यही प्रॉब्लम है। लेडीज़ भी एक ही लाइन में, वो जेंट्स भी एक ही लाइन में, तो लेडीज़ को कितना प्रॉब्लम चल रहा है कोई देख रहा नहीं। यहाँ पे जेंट्स तो कैसा भी ठहरेगा, लेडीज़ के कैसे क्या साथ ठहरेंगे। यहाँ पे 1 से 4 काउंटर है, लेकिन 2 काउंटर भी नहीं चालू कर रहे। कोई भी फोन पूछे तो जो है ना, एक ही चालू रखते, तुम क्या करना है कर ले बोल रहे। अब इसका जवाब कौन देना। एक वार्ड में कैसा होता है, 2-3 तो वार्ड रहना चाहिए ना, इमरजेंसी रहता। कभी तो लड़ाई, कभी तबीयत भी खराब होती बच्चों की, तो कैसा करना चाहिए बोलिए। आप सुबह से आके खड़े हैं, आप अब उन्होंने चले गए बंद करके, अब हम लोग अभी बैठे हैं। हाँ। तो 2 तो रहना चाहिए ना, कम से कम खुलना काउंटर 2 तो रहना चाहिए ना। एक में कैसा होता बोले, कोई इमरजेंसी है, कोई भी रहता, प्रॉब्लम रहता। हम कम से कम 11 बजे खड़े हैं, हम लोग बच्ची वहाँ है, वो प्रेगनेंट है, उधर वहाँ जाके बैठी, तबीयत खराब हुई, अब कैसे करना बोलो। ಚಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಭೀ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಾಕ, ಯಾ ಮಾಡದ್ರಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನದ್ರಿ? ನೀವೇ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು? 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು. ಪಾಳಿ ಸಿಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ್ರಿ? ಕೌಂಟ್ರ್ ಒಂದೇ ಚಾಲು ಅದ? ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವ, ಯಾವ್ದು ಚಾಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದ, ಇದೊಂದೇ ಚಾಲು ಇತ್ತ? ಏನಂತಂದ್ರಿ ಅವರು? ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂದು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಪಾಳಿ? ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 40-50 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೌಂಟರ್? ಒಂದೇ ಕೌಂಟರ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಕೌಂಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ಆಗಿಂದ ನಿಂತೀವಿ, ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತದ ರೀ. इमरजेंसी है, एक ही घंटे में आए तो पकड़ते, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखे तो 3 से 4 घंटा कतार में जा रहा है। अच्छा, जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी प्रेसिडेंट जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से है। आज हम पूरी टीम यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद है।
यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे इश्यूज चल रहे हैं जो हम पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज हालात ही ऐसे है कि ज़रूरी हो गया हम लोगों को रिप्रेजेंट करना। आज हम सबसे पहला जो ज़रूरी जो हमको लगा ब्लड बैंक, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है, आज हम वहाँ पर जाकर मीटिंग करें ऑथोराइज पर्सन से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेली 30 से 40 ब्लड पैकेट लगते हैं यहाँ पर पेशेंट को, और इनके पास शॉर्टेज हो रहा ब्लड का बिकॉज ऑफ मेनी रीज़न। एक तो है इनके कोई कैंपेन्स नहीं हो रहे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये जो ब्लड पैकेट ब्लड बैंक जो आता है ये ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आता, इनका काम है कि पूरे तालुका में जाकर कैंपेन्स करना और ब्लड के ब्लड डोनेट करने के अवेयरनेस करना, ये लोग इसमें फेल है। जिस वजह से यहाँ पर तलिस में आके 75 पेशेंट है बच्चे, जो 14 साल की कम उम्र के बच्चे 75 पेशेंट है, ब्लड कैंसर है, सो बच्चे हैं यहाँ पर, वो लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा है। उन लोगों को, ये जो गरीब तखबे के लोग हैं, ब्लड के वास्ते प्राइवेट ब्लड बैंक को जाना पड़ता है, जो गुलबर्ग में 11 ब्लड बैंक है प्राइवेट, 11 ब्लड बैंक को जाकर पैसे देकर ये लोगों को लेकर आकर यहाँ पर ब्लड चढ़ाना पड़ रहा बच्चों के वास्ते। हाँ, 11 ब्लड बैंक के लिए एज पर लॉ रूल्स के हिसाब से, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से, जितने भी कैंप होते हैं 11 प्राइवेट बैंक के, 25% ब्लड डोनेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को करना। पर यहाँ पर हम रिकॉर्ड चेक करें, कोई भी प्राइवेट ब्लड बैंक वाला एक पैकेट भी यहाँ पर डोनेट नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्या ये ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑथोराइजेशन पर्सन का काम नहीं है इस पर इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल करना? और DHO हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का कोऑर्डिनेशन कहाँ है यहाँ पर? यहाँ पर उमेश यादव जो BJP MP जो 5 साल यहाँ पर काम कर रहा, वो अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई मैं गुलबर्ग में डेवलपमेंट लाया। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज भी गुलबर्गा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत जैसे पहले थी, आज भी वैसी गंदगी है यहाँ पर। यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तिलिस्मिया के 75 पेशेंट है, 14 साल की उम्र के छोटे बच्चे हैं, उनका ट्रीटमेंट करने, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पर। डायलिसिस के ज़्यादा मशीन्स नहीं है, ICU के सही सिस्टम नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नर्सेस को 3 महीने से सैलरी तक नहीं मिली, तो ये लोग एक्यूरेसी में वर्क कैसे करेंगे? 2500 बच्चे मरे यहाँ पर, छोटे बच्चे मरे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से। क्या हम इसके लिए इसको उमेश यादव को वोट करना है यहाँ पर? हाँ, और नॉन मेडिकल असिस्टेंट की वजह से 3000 लोग इस 5 साल में मरे, 3000 लोग मरे यहाँ पर बिकॉज ऑफ नॉन मेडिकल असिस्टेंट। ये रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। मैं पहले भी बोलता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल आकर आप डेवलपमेंट देखो, आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेवलप है तो सिटी डेवलप है। यहाँ पर देखिए काउंटर पर इतने लोग ठहरे हुए हैं, यहाँ पर घंटों से ठहरे हुए हैं, एंड सिर्फ एक ही काउंटर रखा है यहाँ पर मेडिकल, एक ही काउंटर है, ये लोग घंटों से ठहरे हुए हैं। उनको किसी का इमरजेंसी है, किसी की डिलीवरी का है, किसी को ब्लड टेस्ट कराने की फीस भरना है, काउंटर पर कोई अवेलेबल नहीं है। काउंटर की अवेलेबिलिटी जाकर अगर ये लोग ऑथोराइज पर्सन से पूछते हैं तो बोलते हैं क्या करते कर ले हम नहीं बढ़ाते बोलकर बता रहे। ये तरीका है बात करने का? क्या ये मौजूदा हुकूमत ये लोगों को काम नहीं था आकर यहाँ पर सर्वे करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो लोग पब्लिक परेशान है उनके ऊपर देखा जाए? ये लोग कुछ नहीं कर रहे। उमेश यादव तुम बोले डिबेट कर, तुम बोलकर बताए, अगर तुम छोड़ो ग्राउंड वर्कर से डिबेट कर बताओ, तुम्हारे डेवलपमेंट, तुम्हारे फेलियर्स को हम आवाम के सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए हैं पूरे फेलियर्स को अवाम के सामने जनता परिवार से हम लेकर आएंगे। और अवाम को हम ये गुजारिश करें, ये बार इलेक्शन का मोमेंट है, देख सोच समझ कर आप वोट करिए, डेवलपमेंट के ऊपर वोट करिए। ये जो कास्टिज्म पे हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है इस पर ना जाइए, डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए। और दूसरी चीज़, जितने भी ये सोशल एक्टिविस्ट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आप जो ब्लड कैंप करते हैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे भी ब्लड बैंक है इनको कोऑर्डिनेट करिए। मलिका अर्जुन है यहाँ पर, उनसे कोऑर्डिनेट कर आप अपने एरिया में जब भी ब्लड कैंप करें वहाँ पर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर ब्लड कैंप करिए। ये इसलिए क्योंकि आपका ब्लड का सही फायदा यहाँ पे आता। यहाँ पे कुछ लोग हैं OT के पैसे भरने तक उनके पास पैसे नहीं, इतने गरीब तकवे के लोग हैं। हम लोग डोनेशन इसलिए ही करते क्योंकि गरीब तक हमारा खून पहुँचे, ज़रूरतमंद तक एक पेशेंट तक हमारा खून पहुँचे। इवत ना जिला आस्पत्र बंदा इले सुमार समस्या ना का ಮೊದಲನೇದೇನಂತಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ಈ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಂದು ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ 4-5 ತಾಸು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್, ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಬಿದ್ದಾರಂತಂತಂದರೆ 4-5 ತಾಸು ಅವ್ರು ಬಡದಾಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು
ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 24/7 ನಿಗರಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಉಡಾಫಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರ ಅವರು ಅವ್ರವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲಿ? ಈ ಥರ ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಮಿ ಕೊಡೋ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು 4 ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga.